एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं फनी न्यूज़पेपर हेडलाइन पार्ट टू बाय हमारे सम्राट की पाठशाला है। तो इसके पहले हमने पार्ट वन देखा था इनकी पाठशाला में, तो आज हम पार्ट टू देखने जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है सीरियसली। पहले में तो इतना ज्यादा मजा आया था, पता नहीं इन्होंने कहाँ से ढूंढ के वाला न्यूज़पेपर का किया है भैया। और न्यूज़पेपर वाले भी बहुत ही ज्यादा मतलब हाइपेड, इतना ज्यादा थोड़ी सी बात को और ऐसे वाले बातों को न्यूज़पेपर में छाप के इतना ज्यादा हाइप कर देना। और लोग भी ऐसा नहीं है कि भैया चुप बैठे ना, मतलब ये जो लाइट की तरह है जो फैलते जाता है ऐसे वाले न्यूज़ सीरियसली ऐसे। और ये हमारे सामने आज पार्ट टू आज हम देखने जा रहे हैं बाय सम्राट की पाठशाला। तो हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी क्या? तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगली बार जब आप दुकानदार से चटनी मांगो तो पहले दुकानदार का चरित्र जान लेना, कहीं चटनी के चक्कर में कोई तुम्हारी गुल्लक फोड़ दे। तो अपनी अपनी गुल्लक संभाल के रखो भैया, लोग 377 लगने के बाद गुल्लक फोड़ के प्यार का इजहार कर रहे हैं। सवारी अपने गुल्लक की खुद जिम्मेदार है भाई। पार्ट टू चाहिए इस वीडियो का भाई, इस वीडियो का पार्ट टू भी होना चाहिए भाई। इसका पार्ट टू बना भाई, इसका दूसरा पार्ट बना, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट। स्टार्ट करें फिर। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो क्या हाल है। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि कैसे न्यूज़पेपर वाले हेडलाइंस के नाम पर बकचोदी पेले जा रहे थे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने पेश है फनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस पार्ट टू। आपने अपनी लाइफ में आज तक बहुत चीजें देखी होंगी, लाइक उड़ने वाली लौंडिया, पबजी वाली लौंडिया, पाद मारने वाली लौंडिया। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर वाली लौंडिया। भाई साहब, ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाए तो मैं तो इसकी बंगाल की खाड़ी तक की न्यूज़ पढ़ डालूं। भाई 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 क्या भाई। Anyway, हम बात कर रहे थे न्यूज़ की, तो आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। केला खाने से महिला हुई प्रेग्नेंट। अबे ये कौन सा केला खा लिया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल गई लौंडिया को। भाई ये तो अंधेरे में कोई शब्द भेदी बाण चला गया, बताओ बिना मतलब लौंडिया चार्ज कर दे, क्या हो रहा है। अगली न्यूज, निर्लज्ज ने लूटी कुतिया की इज्जत, कुतिया ने सदमे में अन्न जल त्यागा। इसकी बहन का अब इसकी कोई सीमा ही नहीं है, लौंडिया नाम की तो कुतिया ही भर दी। अबे अन्न जल त्याग दिया उसने, कुत्ती से सेक्स करना पड़ा भारी। अबे क्या हो रहा है। अबे इस दुनिया में लोग तो ऐसे चिढ़ाने के लिए बोलते थे कि तुझे तो कुतिया भी घास ना डालेगी, लगता है भाई लोगों ने सीरियस ले लिया। भारी पड़ने का क्या मतलब है, दोनों चिपक देगा भाई, चिपक जाते तो कितना गंदा सीन हो जाता यार। भाई लैंड कराओ। नेक्स्ट न्यूज, आई स्लेप्ट विद 1000 मैन बट आई यूज्ड टू बी अ मैन माइसेल्फ। एक तो यार इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती, अगर यू डिक्शनरी ऐप मेरे पास नहीं होता मेरा क्या होता। भाई यू डिक्शनरी ने ना एक बैरेंट फीचर लॉन्च किया है, मैजिक ट्रांसलेशन। ऑल यू नीड टू डू इज अपना यू डिक्शनरी ऐप ओपन करो, सेटिंग में जाओ, मैजिक ट्रांसलेशन को ऑन कर दो और बूम, जहाँ भी कुछ इंग्लिश का मिले उसे तुरंत ही हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, है ना सिंपल। तो देख क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, उसे जाके डाउनलोड करो और इस अमेजिंग फीचर का फायदा उठाओ। अगली खबर, गुड म॑ॉर्निंग मैसेज पर लगेगा 18% GST। सच में ये कर दो यार। अरे बाप रे, अब भाई हम जिए कि ना जिए, 15,000 की बाइक पे लोगों का 35,000 का चालान कट रहा है, और अब अगर गुड मॉर्निंग के मैसेज पे भी GST घुसेड़ दिया तो आधा हिंदुस्तान तो सोता ही रह जाएगा। हिंदुस्तान सोता रह गया तो लोग अपनी बाबू सोना को उठाना छोड़ देंगे, बाबू सोना नहीं उठी तो यार लोग मार्केट जाना छोड़ देंगे, मार्केट नहीं गए तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो GDP और डाउन जाएगी। क्या हो रहा है। यहाँ चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 से हमारा कनेक्शन टूट गया और ये हर चीज में GST घुसेड़ेंगे। अगली खबर, लड़के ने लाल झंडी दिखाकर रुकवाई राजधानी एक्सप्रेस, फिर सेल्फी ली और भाग गया। कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई, इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके कॉन्फिडेंस का मैं कायल हूँ। पहला अपना ये भाई, जैसे कहीं जाना था तो उसने पुलिस वालों को ही कॉल कर दी। तो भाई जी, तेने 100 नंबर फोन किया था। जी करा था। क्या कही थी। मैंने कहा था मुझे गुन्नौर जाना था। नहीं तो 100 नंबर पे फोन करा तुमने कि मुझे गुन्नौर जाना। जी सर, मैंने 100 नंबर पे फोन करा। तो 100 नंबर की गाड़ी लेके जाएगी तुझे। सर 100 नंबर पे फोन करा तो 100 नंबर की गाड़ी नहीं लेके जाएगी। दूसरा अपने पैराग्लाइडिंग वाले भाई, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। वो बात अलग है कि थोड़ी देर में भाई की छोड़ दो गया।
पर कॉन्फिडेंस तो है ना, तो ऐसा ही कुछ कॉन्फिडेंस मुझे इस भाई के अंदर लग रहा है। अबे सेल्फी के लिए राजधानी तो। कल को भाई सेल्फी के लिए मुंह में बिजली का तार दे के पिछवाड़े से बल्ब जला दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अगली खबर, फिजिक्स का पर्चा देख कर फटी, प्रश्न ही समझ नहीं आए। खेला जब देखो फटी है। अब जब इंडियन मूवी से फिजिक्स पढ़ोगे तो ग्रेविटी के नाम पे चीजें ऊपर ही उड़ाओ। क्या हो रहा है? अगली खबर, चैटिंग से बने लवर, मिलने पहुंचे तो निकले पति पत्नी। वाह बहन चो, याद है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ऐसे ही एक कपल से मिलवाया था, पत्नी ही निकली फेस टू फ्रेंड। अरे लौंड लिया था, बड़ी चालाक निकली मैं, लौंड का डबल चूतिया कट गए। मतलब दोनों ही ठरकी हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हाँ तो इनका केस भी कुछ ऐसा ही है। आजकल सारा लोगों का एक लुगाई से काम ही नहीं चल रहा है, तो कोई नहीं, इस दुनिया में इस चीज का भी सॉल्यूशन है भाई। कहा जाता है ना कि अगर किसी देश का राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है तो वो जगह जन्नत बन जाती है, तो इस धरती पर भी जन्नत है मेरे भाई, जन्नत है। स्वाजीलैंड के राजा का आदेश, दो या दो से ज्यादा महिलाओं से शादी करें नहीं तो भेज देंगे जेल। कुछ दिन पहले मैं फरिश्ते की बात कर रहा था ना, वो यही है। जितनी मन चाह उतनी लगाई रखो, खुली छूट है। अभी और कम से कम करनी होगी 5 शादियां, शादी का खर्चा सरकार उठाएगी। इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो भाई कराए टिकट स्वाजीलैंड की? मैं तो बोलता हूँ संडे मंडे के हिसाब से 6 बीबियां रखेंगे और संडे का रखेंगे ऑफ, और वहाँ तो शादी का खर्चा भी सरकार उठाई दी है। जहाँ डिमांड ज्यादा वहीं चलते हैं ना भाई, जितनी मन चाहो उतनी बीवी रखो। Too much fun. ये अगली लो। क्लास में सीट पर आगे बैठने को लेकर पटना कॉलेज के छात्रों के 2 गुट भिड़े, मारपीट, पथराव, बमबाजी। बमबाजी? अब डेडिकेशन देख रहे हो पढ़ाई का? आगे बैठने के लिए एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं। एक हम थे जो पीछे बैठने के लिए लड़ा करते थे। अब मेरी बात सुनो, अब अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा टॉप मार जाए ना तो उसकी पढ़ाई पर संदेह मत करना। तुम्हें क्या पता बंदे ने कितना स्ट्रगल किया होगा आगे बैठने के लिए। गंदी सोच भाई, लैंड कराओ। अगली खबर, व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़ा, सुलह कराने गए एडमिन की हत्या। अबे भलाई की जमाने क्या एडमिन ने फेल दिया? बताओ साला, आजकल एडमिन बनना भी खतरे से खाली नहीं है। मैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप जीत मार रहा हूँ, फालतू में कौन पंगा ले। क्या हो रहा है? अगली खबर, गंजे लड़कों पर मर मिटती हैं लड़कियाँ। अरे पेंचो, अब समझ में आ रहा है अपना भैया इतना सक्सेसफुल क्यों है। ट्रू इसलिए नहीं क्योंकि पंप में दम है, मतलब ये भी एक फैक्टर है, बट मेन कारण उसका गंजापन है। मैं तो बोलता हूँ उस्तरा लेके आज ही खोपड़ी छील दो। अगली खबर, चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कटेगा चालान। हाँ भैया आजकल तो पुलिस वाले कुछ भी काट सकते हैं, पहले लड़कियां काट रही थी, पुलिस वाले काट रहे हैं। अगली खबर, बॉयफ्रेंड पर पैसा उड़ाने के लिए चोर बनी युवती। अबे ऐसी लड़कियां होती कहाँ है बे, जो इतना शिद्दत वाला प्यार करती हैं। मैंने आज तक जितनों के बारे में सुना सब खर्चा ही कराती थी। ऐसी लड़कियां होती भी है कि वैसी हवाबाजी चल रही है भाई। लैंड कराओ। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी से रिलेटेड न्यूज। पहली खबर, लगातार 7 दिनों तक पकाई लौकी, पति ने केस दर्ज करवाया। ये भी सही है, एक पति थाने में रिपोर्ट लिखवा रहा है कि उसकी बीवी उसे देती नहीं है। तो तुम क्या रिपोर्ट क्या लिखवाओगे बताओ? सर हमें रिपोर्ट ये लिखा रहे हैं कि हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे। अल्लाह दे तो न दे तो पुलिस भाई कौन धारा नहीं मिली कौन धारा मान दूसरा लौकी से परेशान होकर केस दर्ज करवा रहा। क्या हो रहा है? अगली खबर, चाय मांगने पर पति की हत्या। अब आदमी चाय भी ना मांगे, मतलब ये है तुम्हारे संस्कार, ये है तुम्हारी आस्था, ये है तुम्हारी जीटीवी? नहीं मतलब भावनाओं को समझो। चाय मांगने पे बंदा फेल दिया, अरे भगवान ने मुंह दिया उससे मनाही कर देती यार, बंदा बंदा मार दिया। चाय पीनी छोड़नी पड़ेगी साली। अगली खबर, पत्नी बोली पति नेक दिल है, झगड़ता नहीं, तलाक चाहिए। अबे आजकल की लड़कियों को चाहिए क्या बे? शरीफ पति भी नहीं चाहिए, लड़ाकू पति भी नहीं चाहिए, तो लौंडे खड़े तो करें क्या, मुंह में बिमल दे के बैठे रहने। बोलो जुबा केसरी। अगली खबर, अब पत्नी के साथ घर में रह सकेगी गर्लफ्रेंड भी, कोर्ट। ये आई काम की न्यूज है, कैसे मन में लड्डू फूल रहे हैं। डर जा। सरकार अलाउ तो कर देती है लेकिन उसके दुष्परिणाम नहीं बताती है। अब ये बताओ जब बीवी के संग गर्लफ्रेंड रहेगी तो घर में जो जूता बाजेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? टूटेगा तो तुम्हारा ही सर ना। तो भैया ये वाला स्टंट है ना अपने रिस्क पे करना। अगली खबर, बॉडी तो बना ली अब नहीं बन पा रहे पिता। बेटा यही होता है जब नेचुरल चीजों को छोड़कर तुम इंजेक्शनों का सहारा लेकर बॉडी बनाते हो। बॉडी तो बनानी, नुन्नू छोटा रह गया। क्या फायदा है ऐसी बॉडी का जो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई ना कर पाए। बहुत हरामी हो भाई, मैं कसम से कितनी फर्जी बातें करता हूं। अगली खबर, जोमेटो बॉयज ने चुराया स्विगी के डिलीवरी बॉय का मोटरसाइकिल। अबे आजकल जोमेटो वालों के आतंक कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गए? वैसे जोमेटो बॉय होते बहुत मेहनती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जो काफी वायरल हुई थी, भाई घर के अंदर जाकर डिलीवरी दे रहा था।
अब जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। जो भाई जॉनी भैया की तरह अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, वो लोग अपनी टिकट कटाओ और जापान पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारा सपना जापान में ही पूरा होने वाला है। जापानीज पॉर्न इंडस्ट्री हिट बाई शॉर्टेज ऑफ मैन, ओनली अबाउट 70 मेल एक्टर टू 10,000 वुमेन। भाई साहब इतनी तगड़ी वैकेंसी भी नहीं निकली होगी, मतलब मजे के मजे और पैसे के पैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी पॉर्न संस्कारी पॉर्न होती है, मतलब ब्लर मार देते हैं यार ये लोग। अब मेरी तो तुम लोगों से एक ही शिकायत है, अबे दिखा रहे हो तो ढंग से दिखाओ, ब्लर मारने से वो कोई फैमिली फ्रेंडली कंटेंट तो बन नहीं जाएगा। क्या बकचोद वीडियो बना रहा हूँ मैं। खैर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारे पाठशाला में नए हो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, वरना फिर कहोगे कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता। वैसे मैं वीडियो भी कहां डालूं। अगर आपको मेरी बकचोदी पसंद आ रही हो ना तो फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पर। बाकी यू डिक्शनरी ऐप काफी यूजफुल एप्लीकेशन है, उसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। First part was dangerous. Second part is also dangerous. यार सम्राट के पाठशाला में यार एक मतलब मैं जितने भी पाठशाला में गई हूँ मेरे तो बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे। आई कुडंट मतलब मैं मुझे कंट्रोल नहीं होता यार, मतलब इनके पाठशाला में बिल्कुल नींद नहीं आती मुझे। मतलब एक नंबर टॉपिक्स है इनके पाठशाला में, बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनने को मिलते हैं और इतने ज़्यादा मज़ेदार तरीके से समझाते हैं ना, आई जस्ट रियली लाइक इट। सच में मैं बोलूँ ये इतने ज़्यादा मज़े मतलब इतने ज्यादा फनी तरीके से ये बताते हैं ना, आई जस्ट लिटरली लाइक मैन। इनके जो सब फनी कंटेंट पार्ट वन देख लिया हमने, ये पार्ट टू भी है और क्या ही मतलब लोग कुछ भी छाप रहे हैं यार, जैसे टीवी वाले कुछ भी छाप मतलब कुछ भी बोल छाप नहीं कुछ भी बोल देते हैं टीआरपी के लिए, यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले उनके बिकने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या मतलब कहाँ का लॉजिक है भैया। एंड हमारे यहाँ पे सम्राट जी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से सब हेडलाइन टूटते हुए हमारे सामने लाए हैं आज, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है यार। पता नहीं इनको कहाँ कहाँ से मिले होंगे, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया होगा ऐसे वाले, आई डोंट नो, लेकिन एकदम बढ़िया मज़ेदार है यार ये फनी हेडलाइंस जो भी है। मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है मतलब किसके बारे में भी, क्योंकि मैंने जितने बार भी न्यूज़पेपर सुना है मतलब पढ़ा है मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, सब ऐसा पॉलिटिकल या तो सीरियस है एजुकेशन के बेस में स्पोर्ट्स के बेस में मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन ऐसे वाले यार हमारे पास भी छापो तो मैं हर दिन पढ़ूंगी, मैं तो कभी कभी बार पढ़ती हूँ, अगर ऐसा छापेंगे तो लाइक तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मिस फॉलो दैट टू। थैंक यू।